नवरात्र के सातवें दिन माता की पूजा धूमधाम से राजधानी के सभी पंडाल में की जा रही है। राजधानी के गर्दनी बाग ठाकुर में माता की पूजा काफी धूमधाम से हो रही है। यह मंदिर काफी पुराना है और विगत कई वर्षों से यहां पर मां की पूजा धूमधाम से होती आ रही है। मुख्यमंत्री खुद यहां पहुंचते हैं और माता का दर्शन करते हैं। इसके अलावा कई भाजपा के बड़े बड़े नेता, मंत्री और सांसद भी यहां पहुंचकर माता के दर्शन करते हैं। वहीं पुजारी ने बताया कि इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है और जो भी लोग यहां मनचाहा वरदान मांगते हैं वह जरूर पूरा होता है। वहीं हमारे संवाददाता मनीष जी ने लिया गर्दनी बाग ठाकुर बारी का जायजा, देखिए पूरी वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बाजार, मैं हूं मनीष। ये पटना गर्दनी बाग की ठाकुर बारी मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ दूर दूर से लोग भक्त दर्शन करने आते हैं और लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी आते रहे। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और मंत्रीगण लगातार इस मंदिर में आकर दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी बीजेपी के नेता युवराज जी यहाँ दर्शन करने आए हुए हैं। भक्तों की हाथाता लगातार लगी हुई है। माँ का दर्शन हम आपको कराते हैं और यहाँ पंडित जी हैं, थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं कि यह कितना प्राचीन मंदिर है और किस क्या इसका इतिहास है। आप देख रहे हैं लगातार देखिए अभी फिर से यहाँ बीजेपी के नेता दर्शन कर रहे हैं। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है पटना का और यहाँ खासकर नवरात्र के दिन में काफ़ी भीड़ होती है और भक्तजन दूर दूर से चलकर यहाँ पहुँचते हैं। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ लगातार भीड़ लगी हुई है और यहाँ क्या प्राचीन है। हम पंडित से थोड़ा बात करते हैं, पंडित जी कितना प्राचीन मंदिर है, क्या इतिहास इसका? ये दुर्गा पूजा 121वां दुर्गा पूजा है। ये इस फुलवाड़ी से लेकर इधर कंकड़बाग तक का सबसे पुराना मंदिर है। जब गवर्नमेंट के द्वारा ये जमीन दिया गया, बगल में गेट पब्लिक लाइब्रेरी है, पटना हाई स्कूल है, उसी तरह इसको दिया गया। यहाँ पहले क्या था कि सचिवालय का क्वार्टर जो बना था उसके साथ ये मंदिर भी था, लोग पूजा करते थे। तो क्वार्टर टूट गया है, अब तो नया नया बिल्डिंग सब बन गया है। तो हम लोग के यहाँ पूजा का क्या है कि यहाँ जो भी लोग आते हैं अपना जो भी मनोकामना लेके आज तक पूर्ण होता है। दुर्गा पूजा में ये लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। आज जैसे माँ सप्तमी का पूजा हुआ, अभी रात में निशा पूजा होगा। प्रत्येक दिन 7 बजे यहाँ पे आरती होती है, 10:30 बजे सुबह पुष्पांजलि होती है और प्रत्येक शनिवार को यहाँ पे महाभोग का वितरण होता है। प्रत्येक शनिवार को भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जो तो आपने सुना 109 साल पुराना ये 121वां दुर्गा पूजा है। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं और हर शाम यहाँ आरती होती है और पंडित जी का कहना है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे दिल से कोई वरदान मांगते हैं तो वह जरूर पूरा होता है। मनीष, स्ट्रीट बस, पटना।